सुनना ना भूलें। माय नेम इज सुरान मुलाय रीडिंग क्लास 2। तो आज मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाने वाला हूँ इंग्लिश बुक से, और स्टोरी का नाम क्या है, स्टॉर्म इन द गार्डन, रिटन बाय संध्या राव। और स्टॉर्म इन द गार्डन का मतलब क्या है, स्टॉर्म मतलब फन और गार्डन मतलब बगीचा। तूफान आया बगीचे में। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, चलिए शुरू करते हैं। सुनो, द स्नेल वाज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। सुनो, क्या है, घोंगा है, बांग्ला में हम लोग उसको क्या कहते हैं, शामुक। और वो किससे मतलब मिलने जाता है, मतलब वो किसे विजिट करने जाता है, द एंट्स, द एंट मतलब उसके दोस्तों से। और वो उसके दोस्त कौन है, छोटे छोटे चींटियां। They climbed all under him. They climbed under him. कोई चिट्ठिया उसके ऊपर से जा रहे हैं और कोई कोई चिट्ठिया उसके नीचे से जा रहे हैं और वो सब बड़े ही मजे कर रहे हैं। Suddenly a great white light crashed through the clouds. मतलब अचानक एक मतलब बिजली कड़की आसमान से। सुनो, क्विकली पुल इन हिज टेल एंड सैट वेरी स्टिल। मतलब सुनो ने क्या किया, अपना जो सिर है वो अपने कवच के अंदर घुसा लिया और अपना जो मतलब पूछ है वो भी अपने कवच के अंदर घुसा लिया और एकदम चुपचाप से शांत होके बैठ गया। Outside the sky grew dark and the crows flew past. का 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 का। और मतलब सोनू तो अपने मतलब कवच के अंदर घुसा हुआ है और आउटसाइड मतलब बाहर मतलब कौवे इधर उधर उड़ रहे हैं का का करते हुए। ओह बट वेयर द एंट्स। मतलब सोनू क्या कहता है कि ओह मेरे दोस्त कहाँ गए हैं। सुनू स्टक आउट हिज फिलर्स एंड लुक्ड फॉर देम। मतलब सुनू जो है वो क्या कहता है, अपना जो मतलब फिलर्स मतलब क्या फिलर्स है वो बाहर निकलता है और मतलब उसका जो फ्रेंड है मतलब चीटिया है उसको खोजने की कोशिश करता है। They were hiding under a flower pot. और वो उसके मतलब सोने के जो दोस्त है वो सब कहाँ छुपे बैठे थे, एक फ्लावर पॉट के अंदर। Go home, सुनो the ants cries out. मतलब जो ants तो है मतलब सोने के जो दोस्त है उससे उसको चिल्ला के कह रहे हैं कि सोनू तुम अपने घर जाओ। हरी योर मदर विल वरी, मतलब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए चिंता करेगी। सोनू डब्ल्यू वेंट टू हिज मदर। और सोनू कहाँ जाता है, अपनी मम्मी के पास जाता है। डब्ल्यू शेयर वेयर सी सैट अंडर अ स्टोन नियर द विल। और सोनू की जो मम्मी थी वो कहाँ बैठी थी, वो मतलब छुपी मतलब बैठी हुई थी एक मतलब पत्थर के नीचे, विल मतलब कुआं के मतलब पास में वो पत्थर था, तो वही सोनू की जो मम्मी थी वो वहाँ बैठी हुई थी। अम्मा सेड सुनू अपनी मम्मी को क्या कहता है, अम्मा। तो अम्मा कहके सुनू अपनी मम्मी को पुकारता है। देयर अ स्टॉर्म इन द गार्डन। मतलब सुनू अपनी मम्मी को कहता है कि मतलब बगीचे में तूफान आया है। आई हार्ट The wind blow. मतलब
सोनू सोनू जो था उसने वहाँ मतलब क्या कैसी आवाज सुनी, मतलब हवा की आवाज कैसे से हुई सुनी, ऐसे करके ऐसे करके हवा का आवाज मतलब उसने सुना, सुनू सुनू ने I saw trees sway 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 side 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 और वो सब ट्री मतलब वो सब पेड़ की आवाज कैसी तो वहाँ स्वे स्वे साय साय ऐसे करके आवाज उठ रहा था। आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश 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 जैड 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 और सोनू सोनू ने लाइटनिंग की आवाज कैसे सुनी, जैड 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 करके आवाज आ रहा था। आई हर्ड थंडर रोल 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 गड़ाम गुड़ूम गड़ाम गुड़ूम और उसने थंडर की आवाज सुनी कैसे था, गड़ाम गुड़ूम गड़ाम गुड़ूम ऐसा आवाज उठ रहा था। आई हर्ड रेनफॉल फॉल 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 सीता सीता पिता पिता सीता सीता पिता पिता और उसी उसने पानी की आवाज सुनी कैसी थी, सीता सीता पिता पिता ऐसे करके आवाज हो रहा था। आई हर्ड वाटर ड्रिप 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 प्लीप 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 और उसने पानी की आवाज सुनी वो कैसी थी, प्लीप 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 करके आवाज हो रहा था। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सोनू सोनू हैड एवर बीन इन और ये मतलब सोनू सोनू ने महसूस किया कि ये बहुत बड़ा बगीचे में स्टॉर्म आया था और सोनू सोनू ने ये महसूस भी किया था। और सोनू सोनू ने कैसी कैसी आवाजें सुनी हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं। कैसी कैसी आवाज सुनी, ओ ओ साय साय जैक जैक गड़ाम गुड़ूम सीता सीता पिता पिता सीता सीता पिता पिता प्लीप 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 एंड डू यू नो वाई सोनू सोनू डिड नॉट गेट फेट, डू यू नो वाई मतलब तुम क्या जानते हो कि सोनू सोनू क्यों नहीं भीगा, क्या तुम नहीं जानते हो क्योंकि सोनू सोनू क्यों नहीं भीगा, क्योंकि वो तो अपने कवच में घुस गया था इसलिए वो तो इसलिए भीगा नहीं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।